हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय दो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का पांचवा भाग समझेंगे। और इस भाग में हम समझेंगे परावैद्युत, ध्रुवण तथा संधारित्र और धारिता को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी चालक की, जिसे हमने किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा हो और जानने थे उनके कुछ महत्वपूर्ण गुण। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी कुचालक पदार्थ को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या वो भी एक चालक के जैसे ही व्यवहार करता है। तो आइए देखते हैं कि जब किसी कुचालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो किस तरह से व्यवहार करता है। इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ विद्युत कुचालक ही होते हैं, यानी इनके अंदर भी विद्युत प्रवाहित करने के लिए मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। अब अगर हम ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण देखें तो वो है माइका या फिर तेल। यानी अगर हम किसी कुचालक की तरह किसी परावैद्युत को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखें तो वह भी ठीक उसी तरह व्यवहार करेगा जैसे कि कोई कुचालक पदार्थ करता हो। अगर आपको याद हो तो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कोई चालक बाहरी क्षेत्र में रखा हो तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के एक और एकत्रित हो जाते थे। तो क्या कोई कुचालक यानी कि कोई परावैद्युत जैसे कि माइका, अगर हम इन्हें किसी विद्युत क्षेत्र में रखें तो क्या उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा? दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें इस परावैद्युत पदार्थ के आणविक स्तर पर जाना होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने यह भी बताया था कि अणु दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय अणु तथा ध्रुवीय अणु। तो हम एक एक कर इन दोनों ही प्रकार के अणुओं के लिए परावैद्युत पदार्थ के गुणों को समझेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी अध्रुवीय अणु वाले परावैद्युत को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कैसे व्यवहार करता है। दोस्तों, इसे समझने से पहले मैं ये बता दूं कि अध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनका कुल ध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है, यानी किसी क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कोई सामान्य अणु। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये अणु खिंच जाते हैं, यानी इनका नाभिक क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन सभी अणुओं के अंदर एक ध्रुवीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अणु अपना आबंध तोड़े बिना ही खिंच जाते हैं, और किसी परावैद्युत की ये क्षमता कि उसके अणु कितने विद्युत क्षेत्र तक बिना आबंध तोड़े काम करते हैं परावैद्युत क्षमता कहलाता है। खैर, इस स्थिति में परावैद्युत के अभ्यंतर में कोई आवेश नहीं होता, यानी ये उदासीन होते हैं, जबकि इसके दोनों पृष्ठों पर क्रमशः धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश बन जाता है, जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा पी होता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को ध्रुवीकरण कहा जाता है और परावैद्युत को ध्रुवीकृत कहा जाता है। परावैद्युत के ध्रुवीकृत होने पर यानी उसके दोनों पृष्ठों पर आवेश बनने की वजह से एक विद्युत क्षेत्र इस परावैद्युत के अंदर भी बन जाता है, जिसकी दिशा आरोपित क्षेत्र के विपरीत होती है, और इसी वजह से ये आरोपित क्षेत्र को कम कर देता है। लेकिन दोस्तों, ध्रुवीकरण की वजह से बनने वाला क्षेत्र इतना नहीं होता कि वो बाहरी क्षेत्र को खत्म कर सके, इसका मान हमेशा आरोपित क्षेत्र से कम होता है, जिसकी वजह से ये बस बाहरी क्षेत्र में कमी लाता है। अब ठीक इसी तरह अगर एक ऐसा परावैद्युत माने
जिसके अणु ध्रुवीय होते हैं, यानी उनका कुछ ना कुछ ध्रुवीय आघूर्ण होता है। लेकिन बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये ध्रुवीय आघूर्ण यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण को शून्य माना जाता है। लेकिन जैसे ही इस परावैद्युत पर एक बाहरी क्षेत्र लगाया जाता है, इसके अणु खुद को घुमाकर बाहरी क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस पदार्थ का एक कुल द्विध्रुव आघूर्ण विकसित हो जाता है। और पहले के जैसे ही ये आघूर्ण विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। दोस्तों, इस कुल द्विध्रुवीय आघूर्ण को पी से दर्शाया जाता है, और जिसका मान होता है पी बराबर काई ई गुणा ई। दोस्तों, यहाँ पर काई ई को वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है, और ये द्विध्रुवीय आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के आनुपातिक होता है। आइए अब समझते हैं हमारा आज का तीसरा विषय, संधारित्र तथा धारिता को। दोस्तों, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें वैद्युत आवेश को ऊर्जा के रूप में संरक्षित करने की क्षमता होती है। ये उपकरण विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा पृथक दो चालकों का निकाय होता है। इसमें एक पत्र पर धनात्मक और दूसरे पत्र पर बराबर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है। इसके अलावा संधारित्र की आवेश को संरक्षित करने की क्षमता धारिता कहलाती है, जिसे मापा जाता है Q को V से भाग करके, यानी C बराबर Q बटे V। दोस्तों, यहाँ पर C धारिता, Q संधारित्र पर आवेश तथा V संधारित्र पर विभव कहा जाता है। अगर हम इनके मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यानी धारिता का मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे फैराड भी कहा जाता है, यानी एक फैराड बराबर होता है एक कूलाम प्रति वोल्ट के। दोस्तों, संधारित्रों के बारे में हम और अच्छे से अगले वीडियो में समझेंगे, अभी तक के लिए बस इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा परावैद्युत पदार्थों को और देखा कि किस तरह से परावैद्युत के अंदर ध्रुवीकरण होता है, और अंत में हमने समझा संधारित्र को और देखा धारिता को कैसे मापा जाता है और इसका क्या मात्रक होता है। अगले वीडियो में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कुछ और विषयों की, जो कुछ इस प्रकार हैं: समांतर प्लेट संधारित्र और धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तब तक के लिए गुड बाय।